नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपका अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, रीड शिक्षक भर्ती 2020 में बाल विकास एवं शिक्षा सत्र की कक्षा 11 की बुक से हमने टॉपिक शुरू कर रखा था मानव विकास। इसमें मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल पा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने सोचा कि इस पार्ट को जो है हम कंप्लीट करा दें। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने कक्षा 11 की बुक से अधिगम और अभिप्रेरणा टॉपिक करवाए हैं और रीड साइकोलॉजी की काफ़ी वीडियो डाले। आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी रीड साइकोलॉजी के नाम से, जहाँ पर हमारे डाले के काफ़ी वीडियो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की बुक से मानव विकास, जो कि बाल विकास से संबंधित हमारा पार्ट है, उस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना, फिर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो दोस्तों, हमने लास्ट कक्षा तक जैसे बात की थी उससे आगे बात करते हैं। तो देखो, वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध। मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को पृथक नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों, मानव विकास में जो वंशानुक्रम और वातावरण है, इसके प्रभाव को अलग अलग नहीं किया जा सकता, अपितु ये एक दूसरे के पूरक है। यानी वातावरण और जो वंशानुक्रम है वह एक दूसरे के पूरक है। यानी वातावरण के बिना वंशानुक्रम नहीं हो सकता और वंशानुक्रम के बिना वातावरण नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक स्वस्थ बीज तभी स्वस्थ पौधे का रूप धारण करता है जबकि वातावरण स्वस्थ एवं संतुलित हो, इसी प्रकार अस्वस्थ बीज को अच्छा वातावरण भी स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मानिए कोई भी एक बीज है, वो स्वस्थ पौधे का रूप तभी धारण कर सकता है जब उसको वातावरण कैसा मिले, स्वस्थ व संतुलित मिले। लेकिन एक अस्वस्थ बीज है, उसको वातावरण कैसा भी मिल जाए लेकिन वो स्वस्थ वातावरण मिलेगा तो भी वह पौधा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वातावरण और जो वंशानुक्रम है वो एक दूसरे के क्या है दोस्तों, पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी के रूप में है। बीज एवं वातावरण दोनों के अभाव में पौधे का पूर्ण विकास भी संभव नहीं है। वंशानुक्रम मानव को विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। यानी वंशानुक्रम जो है मानव को डेवलपमेंट होने में क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। और जो वंशानुक्रम दोस्तों क्षमताएँ देते हैं वो वातावरण विकसित होती है। व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम न केवल वातावरण होता है, वास्तव में वह जैविक दाय और सामाजिक विरासत की एकीकरण की उपज है। मानव के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है, ये उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। वंशानुक्रम में वातावरण में कौन सा कारक मानव विकास को अधिक प्रभावित करता है, इसका निर्धारण भी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए हैं। मानव विकास के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति या बालक जो कुछ सोचता, करता या अनुभव करता है, वह वंशानुक्रम के कारकों और वातावरण के प्रभावों पर पारस्परिक संबंधों का परिणाम है। यानी व्यक्ति और या बालक जो कुछ भी सोचता है या करता है या अनुभव करता है, वो सब क्या है दोस्तों, वंशानुक्रम के कारकों और वातावरण के प्रभाव के पारस्परिक संबंधों का परिणाम है। परीक्षण ने सिद्ध कर दिया कि सामान्य वंशानुक्रम और सामान्य वातावरण होने पर बालक में भिन्नता होती है। यानी जो परीक्षण ने सिद्ध कर दिया कि सामान्य वंशानुक्रम और सामान्य वातावरण पर बालक में जो भिन्नताएँ होती है, अतः बालक के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यानी जो बालक का विकास है, इस पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में मानव जैविक वंशानुक्रम और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। अब देखो, वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है। बालक के विकास में वंशानुक्रम का अधिक महत्व है या वातावरण का अधिक महत्व है, इस प्रश्न का उत्तर हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं। परंतु परीक्षण और अवलोकनों के आधार पर बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व को निम्नलिखित रूप प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो पहला देखो, वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथक्ता। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बालक के एक पूर्ण विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का संयोग अनिवार्य है। जीवन की प्रत्येक घटना इन दोनों का परिणाम होते हैं। इनमें से एक परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा, यानी दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। किसी को भी नहीं हटाया जा सकता और न ही कभी पृथक किया जा सकता है। दूसरा है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का समान महत्व है। बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है। वंशानुक्रम जितना अधिक समृद्ध होगा, व्यक्ति का विकास उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार वातावरण की समृद्धता भी व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
वंशानुक्रम एवं वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के लिए पूरक, सहायक और सहयोगी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में होता है। उदाहरणतः यदि बालक में बौद्धिक योग्यता नहीं है तो अच्छे से अच्छे वातावरण भी उसका मानसिक स्वास्थ्य विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार बुद्धि योग्यता बालक अगर प्रतिकूल वातावरण में अपनी मानसिक विकास नहीं कर पा सकता। बालक का संपूर्ण विकास व्यवहार उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का फल है। यानी अगर कोई बालक में बौद्धिक योग्यता नहीं है तो उसको कितना अच्छा वातावरण मिल जाए वो उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। और अच्छी बौद्धिक योग्यता वाला बालक है उसको प्रतिकूल वातावरण यानी उसके अनुकूल वातावरण न मिले तो उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता। चौथा है वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव में अंतर करना संभव है। यह कहना संभव है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक बात वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आती है, पर यह बातें इतनी जटिल रूप से संयुक्त रहती है कि बहुधा वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना संभव हो जाता है। पांचवा, मानव वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध योगात्मक नहीं होता बल्कि गुणात्मक होता है। यानी ये सूत्र होता है मानव विकास का, यानी मानव विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण, ये गुणात्मक रूप होता है न कि योगात्मक, यानी प्लस का चिन्ह नहीं होगा गुणा के रूप में होगा। एक सभी बालकों को एक जैसा वातावरण प्रदान करके एक जैसा नहीं बनाया जा सकता, परंतु सभी को समर्थ वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें वंशानुक्रम द्वारा मिली शक्तियों द्वारा अपने व्यक्तित्व का पूरा अवसर मिल सके। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मानव के व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण तत्व है, और यदि वंशानुक्रम आधार है तो वातावरण इसका ढांचा है, और वंशानुक्रम को वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों का मानव विकास में समान महत्व और योगदान है। इनमें से एक भी अनुपस्थिति उसका सम्यक विकास असंभव है, और वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव है और दोनों ही मानव की सफलता के लिए अनिवार्य है। वातावरण द्वारा मानव का विकास हो सकता है परंतु उसके विकास की सीमा उसकी वंश परंपरा द्वारा ही निर्धारित होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके अंदर एक तो मानव विकास का विश्लेषणात्मक सिद्धांत बनता है, एक आपके एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत बनता है। बस ये दो सिद्धांत और बच्चे, फिर ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को कंप्लीट कराने। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।